आठवां अध्याय रक्त बीज बद्ध ध्यान। मैं आणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह भूला आज उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहाद्र, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशस्तित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी ने सिंह ने बड़े जोर जोर से धारणा आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्य की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उनकी शक्तियाँ असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षशूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति ऋषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पर आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांग्र धनुष और खड़ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नासिंगी शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका जी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से उत्पन्न भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता अपना अपना यज्ञ भाग उपभोग करने लगे। यदि वल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था,
इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उसके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट करती जाती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी धुतुन की मार से नष्ट कर दिया। दाणों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेंद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह नाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक और महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त सा हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृगणों पर और मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस उतावले मुख से खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया।
तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग और सृष्टि आदि से मार डाला। राज, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुर के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर निर्दय करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारवणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म रक्त बीज बद्ध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वां अध्याय निशुंभ बद्ध ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्रम उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के बद के संबंध में देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे, पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ ने भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी जी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने श्रुप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें की 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर डाले। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। अब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे।
किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी जी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आता देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहकर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन को कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली और शिव दूती ने भी भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी की मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए। वाराही के तुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में निशुंभ बद्ध नामक नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप ही दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।